बताना कैसी लग रही है? बाबा जी का प्रताप अभी पचास से ज्यादा कंस्टिट्यूंस में फैल चुका है बाबा के सारे आश्रमों में ड्रग्स की खपत बहुत बढ़ गई है लड्डूओं की डिमांड पूरी करना मुश्किल पड़ रहा है भाई जी बाबा जी इतने बड़े महात्मा है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से तो दोस्तों बॉबी देवल की बेहतरीन वेब सीरीज आश्रम जिसको हम सबके बीच में 11 नवंबर को रिलीज कराया गया दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेब सीरीज देखने में काफी शानदार थी जिसके चलते दोस्तों ऑडियंस ने इस वेब सीरीज को हम सबके बीच में फोर पॉइंट की हाफ रेटिंग दी है जो की काफी बढ़िया है दोस्तों आप सभी को पता है की फिल्म का यानी की वेब सीरीज का बजट ओनली पैतीस करोड़ रुपए है और इसी बजट के अंदर इस वेब सीरीज को काफी शानदार तरीके से बनाया गया है जैसे कि आप सभी को पता है कि वेब, तो वेब कलेक्शन कर रही है वो भी ताबड़ तोड़ है जी हाँ दोस्तों बॉबी देवल की काफी तारीफ करी जा रही है इस वेब सीरीज के अंदर क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से उनकी एक्टिंग सबको भारी है उनकी वेब सीरीज की स्टोरी सबको पसंद आ रही है उससे गलत नहीं होगा उनके आने वाली

पहले तो दोस्तों आप सभी को पता कि है कि लक्ष्मी फिल्म है। जिसका नाम पहले लक्ष्मी बॉम्ब था तो दोस्तों अक्षय कुमार सर ने अपने फैंस की सुनते हुए इस फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब से ओनली लक्ष्मी रख लिया था वहीं भी दोस्तों अक्षय कुमार सर के कई सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इस फिल्म को लेकर के कई सारी बड़ी बड़ी नेगेटिविटी भी फैलाई पर दोस्तों उसके बावजूद अक्षय कुमार सर का स्टेडम सर चढ़ के बोला और दोस्तों इस फिल्म को ऑलरेडी सुपर डुपर हिट बना दिया दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म ने अपने पहले दिन ही एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया

दोस्तों पंद्रह मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं जो कि अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है और दोस्तों इसी के साथ में इस फिल्म को हम सबके बीच में 40 करोड़ के बजट में बनाया गया था अब दोस्तों कहना यह है ऑडियंस का कि इस फिल्म को कितनी रेटिंग दे रही है ऑडियंस तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को रेटिंग देखने के लिए मिल रही है थ्री पॉइंट हाफ स्टार की जो कि एक काफ़ी बढ़िया रेटिंग तो नहीं है पर दोस्तों एक काफ़ी अच्छी रेटिंग भी मानी जा सकती है वहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑडियंस ने इस फिल्म को रेटिंग दी है थ्री पॉइंट हाफ स्टार की वहीं पे दोस्तों अगर बात करें साथ ही साथ फिल्म के कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन की शानदार ओपनिंग ली अट्ठारह करोड़ बारह लाख रुपए की वहीं पर दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे दिन लगभग सोलह करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था अगर दोस्तों बात करें फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म का तीसरा दिन का कलेक्शन रहा था शानदार और दोस्तों फिल्म ने अपने तीसरे दिन थोड़ी सी ग्रोथ करते हुए सोलह करोड़ अस्सी लाख रुपये का कारोबार कर लिया वहीं पर दोस्तों अगर बात करें फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों दोस्तो की छुट्टी रहती है और शानदार वर्ल्ड माउथ के वजह से इस फिल्म ने अपने चौथे दिन सत्रह करोड़ पैंतालीस लाख रुपए का कारोबार कर लिया था जिसके साथ में दोस्तों फिल्म का चार दिनों का ओटीटी कलेक्शन हो चुका था बासठ करोड़ तेरह लाख रुपए वहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो यह फिल्म अपने पाँचवें दिन का शानदार ऑक्युपेंसी बताते तो हुए कारोबार कर रही है और दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है जिसको जैसे दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक अपने पाँचवें दिन अट्ठारह करोड़ रुपए की ऑक्यूपेंसी बता रही है जिसके साथ में इस फिल्म का अभी तक का ओ कलेक्शन हो जाएगा छियासी करोड़ पैंसठ लाख रुपए दोस्तों मैं आपको बता कि इस फिल्म को और भी कई सारे देशों में रिलीज़ करा गया है जिसकी वजह से दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन में और भी ज़्यादा ग्रोथ आ चुकी है आप दोस्तों देखना यह है कि यह फिल्म कितने करोड़ का आंकड़ा पार करके रुकती है डेढ़ सौ करोड़ दो सौ करोड़ या फिर तीन सौ करोड़ हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को और कितने मिलियन व्यूज़ मिलेंगे अभी तक दोस्तों इस फिल्म को हम सबके बीच में दो सौ पंद्रह मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं और दोस्तों मुझको पूरा उम्मीद है कि इस फिल्म को हम सबके बीच में चार सौ से साढ़े चार सौ मिलियन व्यूज़ बड़े आसानी से मिल जाएंगे आपके ओपिनियन क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा जय हिंद